हाय गाइस, इस तरीके का नेल आर्ट घर पे किस तरीके से किया जाए इसकी डिटेल वीडियो है, तो काइंडली वॉच तो माय चैनल एंड टू नो इट डिटेल वीडियो। सो हाय गाइस, फैशन विद पिंकी में आज मैं मौजूद हूँ विद न्यू वीडियो के साथ, जो कि हमारी है नेल आर्ट है। तो इसमें नेल वाटर यूज़ किया जाएगा। ये कुछ ग्लिटरी प्रोडक्ट हैं विद पोमी में बना रही हूँ, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है, तो हाय कह रही थी। तो ये है कि अपनी प्रोडक्ट्स को निकाल रही है अभी, वैसे ही टेम्परेरी, जस्ट टू कि किस तरीके से होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें अभी शो कर रही है कि ईस्टर के टाइम की करेगी। ये है कैशू, बस इसका नाम कैश है, कैशो नहीं है। फॉर लव आई से हिम दैट कैशो। तो उसको मोबिलाई थी, बेचारा बहुत थक चुका था, फिर भी अपनी तुम हिला रहा था कि मैं इधर ही हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो चलते हैं नेल आर्ट की तरफ। तो सबसे पहले इसने जो है मेरे नेल्स पे ऐसा किया कि आराम सुकून से बैठ के नेल वाटर यूज़ किया इसने, किस ब्रांड का है चले छोड़े खैर। तो इसमें ये वाटर यूज़ किया है, उसके अलावा ये कुछ पाउडर निकाल रही थी। इसकी जो कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी ना, वो ईस्टर पे दोबारा मैं इससे नेल आर्ट करवाऊंगी, तो कम्प्लीटली अभी तो रफली एक जस्ट शो और जो है वो शौक पूरा करने के लिए था। तो अभी ये बना रही है, सिंपली पहले इसको क्लीन करेगी नेल्स को। तो सबसे पहले इसको यूज़ कर रही है वो इस टूल को नेल आर्ट में, सबसे पहले क्लीन करने के लिए। इसका क्या नाम है प्लीज़ गाइड मी, क्योंकि मुझे नहीं इतना पता, ये अपनी तफरी में लगे हुए थे तीनों। तो सबसे पहले उसने उसके रब किया, फिर उसके बाद उसने क्लीन इस तरीके से किया ये सारे टूल्स का। इसको इन्फॉर्मेशन है, जब कंप्लीट वीडियो जो ईस्टर के लिए मैं नेल आर्ट इससे करवाऊँगी, उसमें सब चीज़ों के नाम पूछ के मैं आपको लाजमी बताऊंगी। ये अभी जस्ट एक प्रीव्यू है पूरी वीडियो का कि इस तरीके से नेल आर्ट किया था, जिस टेम्परेरी तौर पे है। अभी नेल्स को क्लीन करेगी ये, तो उसके बाद इसने इसने मेरा ऐसे मास्क फाड़ दिया सारे नाखूनों का। उसके बाद इसने ये नेल वाटर यूज़ किया है, एंथनी पता नहीं कौन सा पाउडर था, उस पाउडर में इसे मिक्स किया है। तो जब ये मिक्स करी तो उससे इसने क्लीन कर लिया, अल्कोहल पेपर है ये कुछ, इससे इसने क्लीन किया है। तो ये कि जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें मैं कंप्लीट डिटेल जो जो चीज़ें इसने यूज़ की हैं उसका मैं पिक्चर्स आपको शो करती जाऊंगी साथ साथ में, और नाम पूछ के इससे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये पाउडर में इसने थोड़ा मिक्स किया था, उसके बाद इसने मेरे नेल्स पर लगाया, और ये जैसे ही लगाया उसके बाद ये ड्राई हो गया था। इस तरीके से इसने पहले वाइट लगाया, फिर उसके बाद इसने जो है पिंक कलर के शेड में भी लगाया था। तो ये दो इसने लगाए थे सिंपली, फिर उसके बाद इसने दोबारा उसको रब किया था। तो ये देखें, इसके बाद इसने शाइनर्स टाइप का भी कुछ लगाया, रब करेगी सिंपल फॉर्म जो होता है जैसे रब कर देते हैं उसको यूज़ करने के बाद। ये तीन प्रोडक्ट्स जो हैं अभी मैं आपको क्लियर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि जो इसकी डिटेल वीडियो होगी ना वो बाद में आपको शो कर दूँगी किस तरीके से इसने बनाया। काफ़ी जो है ये इतने में भी जो है थक गए थे, तकरीबन आधा घंटा तो इतने में नेल आर्ट में भी लग गया, और दूसरे में कह रही थी कि 1 से 2 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कि अब इसने नेल पॉलिश अप्लाई की है, एक नेल छोड़ दिया, बाकी तो ब्लैक अप्लाई की। मेरे नेल्स अभी शॉर्ट थे, छोटे थे, तो छोटे नेल्स पे हमेशा जो है वो डार्क कलर अप्लाई किया जाए तो वो अच्छा लगता है। लाइट कलर में जो है ना आपके नेल्स और छोटे छोटे लगेंगे, तो इसलिए डार्क कलर, जब भी आपके नेल्स छोटे हों तो डार्क कलर अप्लाई करेंगे नेल पॉलिश का, तो वो अच्छे सा लुक आता है उसमें। तो ये है कि अभी यहाँ पे इसने ग्लिटरी ऑरेंज जो शेड है वो यूज़ किया है, इसको लगा रही है। आराम सुकून से बैठ के कर लें आप लोग ये काम। तो ये लगाने के बाद भी इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे, और ये इसकी नेल पॉलिश जो है ना इसी से रिलेटेड थी। नेल आर्ट की जो नेल पॉलिश है मेरे ख्याल से अलग होती हैं, क्योंकि ये जल्दी से ड्राई हो गई थी, इसमें ज़्यादा टाइम ही लगा। दूसरी नेल पॉलिश में फिर भी आपको वेट करना पड़ता है नेल पॉलिश में, पर इसमें वेट नहीं करना पड़ा इतना। तो ये ड्राई होने के बाद इसने कोई जो है लिक्विड ग्लू लिया, और ये सो चुका था आराम से भून से। के बाद इसने जो है ना इसमें ग्लू था इसका कोई,
वो इसने यहाँ लिक्विड लगाया, जैसे एल्फी टाइप होती है ना, इसी टाइप की कोई चीज़ से इसको यूज़ किया है इसने। तो ये इसका टूल्स था, इसके साथ ये लिक्विड ही वो लगाई थी। उसके बाद इससे जो है ना ऊपर ये आप देख सकते हैं बी डायमंड टाइप की जो चीज़ है वैसे लगाई, ओरिजिनली प्लास्टिक डायमंड चाहिए। तो ये इसने लगाया है जस्ट डेकोरेट। तो इसी तरह की सारी डेकोरेशन ये कर रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट मैं आपको दिखाती जाऊँ। तो नेल आर्ट की जो कंप्लीट वीडियो है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, विद ऑल टूल्स नेम, विद ऑल इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स फॉर मी ऑल, जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट, जिस भी ब्रांड का ये यूज़ करेगी जस्ट टू क्रिएट द नेल आर्ट्स, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। तो ये जो है अभी बीन्स लग चुके थे ऑलमोस्ट, ग्लिटरी टाइप के हीरे प्लास्टिक के। तो ये सिंपली इसने लगा दी गोंद के साथ, और इसमें जब इसने लगाया पंखा इसने बंद कर दिया। फिर उसके बाद इसने जो है ये तकरीबन मल्टी कलर का था, कुछ हार्ट टाइप शेप के ना ग्लिटर थे, तो ये भी इसने ग्लू के साथ ना, ग्लू लगाने के बाद उसके साथ फिर इसने इसको जो अटैच कर दिया था। जैसे इसने लगाया उसके बाद जो ना ये 2 मिनट में अटैच हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये इसने इसी तरीके से सारी जो है ना अटैचमेंट कर दी थी इसकी। और इसके लिए इसने ये देखिए चूजर कहते हैं शायद इसको, इसको यूज़ किया इसने जस्ट उस एकदम। इसका टूल बॉक्स पूरा रेडी है जिसमें ये यूज़ करती रहती है चीज़ों को, और नेल्स के लिए ना। और आई थिंक सो ये इतना बड़ा जो टूल्स का है हमें तो नहीं होगी, जिन्होंने नेल आर्ट करना है उनके लिए होगा, पर आजकल लड़कियाँ छोटी छोटी टूल्स भी रखती हैं उसके लिए, नेल्स के लिए ना, जस्ट टू कट, जस्ट टू गिव द शेप, वो सारी चीज़ें वो रखती हैं। तो ये सिंपली इसने ऐसे लगा दिया था, ये कोई भी अभी जो है वो डेकोरेशन इतनी नहीं, ये जस्ट शौकिया तौर पे, फरमाइशी तौर पे इसको प्रोग्राम को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कोई भी जो है ना वो ऐसा नहीं कि इसमें ये मिस्टेक है या वो मिस्टेक है, ये जस्ट जो है वो वैसे ही टेम्परेरी तौर पे ही किया जा रहा है। तो इसको डोंट बी जज, इसको जज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही है हाथ साफ करने के लिए। ये कि जो कंप्लीट और सही वीडियो होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी ईस्टर के टाइम पर। तो ईस्टर पे जो बनेंगे वो ईद पे जो भी होगा वो इसके दिखा दिया जाएगा। तो ये सिंपली इसने मुझे ग्लिटर्स इस तरीके से घूम के बाद जो ना ग्लू ही बोलूँगी मैं तो उसको, नेल्स की ग्लू इसी तरीके की, तो उससे ये हेल्प करके यूज़र की हेल्प से जो है ना। तो इसी तरह फिनिशिंग पे पहुँच चुके थे, ऐसे करके रेडी हो चुका है हमारा जो है नेल आर्ट, सिंपली बनाया है अभी, इसकी डिटेल नहीं है।